G20 डिनर में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए नीतीश कुमार। एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार का होगा आमना सामना। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सितंबर यानी आज दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शाम में आयोजित रात्रि भोजन में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य विदेशी मेहमान शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में पिछले साल एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का पीएम मोदी से G20 डिनर में पहली बार आमना सामना होगा। इंडिया भारत बहस के बीच नीतीश कुमार का इस भोज में शामिल होना अहम माना जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 सम्मेलन के मद्देनजर 9 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसी आमंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। सीएम फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोजन में शामिल होने के बाद रविवार दोपहर को उनका पटना वापस लौटने का कार्यक्रम है। वहीं इस भोज में कांग्रेस शासित कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस भोज में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति का निमंत्रण नहीं दिए जाने से पार्टी में नाराजगी है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार 60% आबादी के समर्थन वाली पार्टी को खत्म करना चाहती है। इधर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आयोजन में जाने की पुष्टि की है। बता दें, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचकर कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। उनके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी डिनर के दौरान बातचीत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी G20 के डिनर में शामिल होंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, देश का नाम इंडिया हटाकर भारत रखने पर जो है तमाम विपक्षी पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री से तमाम विपक्षी पार्टियों का जो है आमना सामना होने वाला है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्षी पार्टी से प्रधानमंत्री की बातचीत हो पाती है। ये दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता।